our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. चलिए गाइस, तो फिर फाइनली मेन गेट पे आ गए हैं। मेन गेट से कुछ जाने का रास्ता इस तरह से है, जो कि आप देख सकते हैं इतनी ऊंचाई है, जो कि आपके सामने है। बस इस तरह से जाना है। फिर चलिए आगे का सीन आगे दिखाते हैं। आधे दूर पहुंच गए हैं, बहुत परेशानी हो रही है, जो कि इस तरह से रास्ते हैं कुछ, बिल्कुल दम सीधा और चढ़ाव। ये भी पत्थर का बना हुआ है, ईटा का नहीं है, थोड़ा इस तरह से रास्ता है। चलिए फिर ऊपर चलते हैं। देखिए आधे दूर तो आ गए हैं, फिर उसके ऊपर भी जाना है। सांसें भी फूल रही है ऊंचाई होने की वजह से। चलिए फाइनली गाइस चढ़ गए अब ऊपर। अब ये कोई लाल सा गेट दिख रहा है, फिर उसके अंदर चलेंगे, फिर पता चलेगा अंदर से भी कुछ है, रास्ता है। पूरी तरह से सांसें फूल रही। चलिए फिर आगे मंदिर, मंदिर का गेट कुछ इस तरह से आइए। मतलब ये दुर्गा माता का मंदिर भी है। ऊपर किधर से जाना है? यही है। चलिए आगे अभी यहाँ से आराम करने की जगह है, फिर यहाँ से भी ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ से भी कुछ इस तरह से दिखता है हाईवे और राजस्थान के नज़ारे, जो कि देख सकते हैं कितना लाजवाब है जगह। फिर वो सामने वाले मंदिर पे भी जाएंगे, सामने वाले मंदिर पे भी जाएंगे जो कि शिव जी का है, वहां तो जाना जरूरी है। देखिए सामने हाईवे, हाईवे से जस्ट सटा हुआ ये। फिर ये सामने पहाड़, अभी माउंट आबू तो जाना बाकी है, रास्ते में ही आएगा माउंट आबू, फिर वहां भी ले लेंगे, वहां के नज़ारे भी कुछ देखेंगे। देखिए यहाँ का पत्ता कुछ इस तरह से है, बरगद के है कि क्या है पता नहीं, लाल हरा ऐसा कुछ है। चलिए फिर ऊपर निकलते हैं, आइए। चलिए अब यहाँ का तो हो गया, फिर चलते हैं ऊपर वाले पहाड़ पे। ऊपर वाले पहाड़ का भी नज़ारा कुछ देखते हैं और दिखाते हैं, फिर वापस नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद फिर साइड से लेना पड़ेगा। आइए चले फिर, देखिए कितने खतरनाक रास्ता है, जो कि जरा सा मिस हुआ और सीधा नीचे, नहीं तो आप देख सकते हैं जिस तरह से है। देखिए पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि थोड़ा सा मिस होगा और सीधा नीचे। अभी यहाँ से फिर दूसरी साइड से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के पास जाना, ये सब जगह बहुत कम लोगों को नसीब होता है, क्योंकि अपनी गाड़ी रिजर्व करके आएंगे तभी आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते। देखिए कुछ इस तरह से रास्ता है, छोटी सी गैलरी है, सामने से वहाँ गाड़ी भी जाने की जगह है, और मना कर रहे हैं कि नहीं वहाँ तक गाड़ी नहीं जाती, इसीलिए हम लेके नहीं आए, नहीं तो आ जाते। मंदिर का नज़ारा पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है। अभी जितने भी मंदिर बन रहे हैं ना, नए पुराने, समय कलाकारी इतना बेहतरीन है कि सोचने पे मजबूर कर देंगे इंसान को। इस तरह से बनावट बनी हुई है। फिर मेन गेट है, गजानन
हाथी को रखे हुए। चलिए फिर मेन गेट से अंदर चलते हैं। महादेव जय भोलेनाथ, राम राम। बंद है अंदर का दरवाजा। इस तरह से महादेव भोलेनाथ शिव जी और पार्वती हैं अंदर, दोनों को मेरे तरफ से प्रणाम। खोलेंगे क्या? आही माँ शरणम गतम जन्म मृत्यु, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। अच्छी बात है, देखिए मंदिर का डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। पुजारी जी हैं, इनसे पूछे तो बोले नहीं अंदर का वीडियोग्राफी करना मना है, और लिखा हुआ भी यहाँ का वीडियोग्राफी नहीं हो सकता। वो सामने देखिए माँ लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ जाना मना है और ऑलरेडी बंद भी कर रखा है गेट। तो बस इतना सही था, फिर यहाँ से वापस रेडिएट नीचे चलते हैं। चलिए फिर, हाँ वहाँ गए थे, हाँ वो तो खुला ही है। नहीं अब तो हो गया हमारा, के बाद इतनी दूरी तय करने के बाद हम लोग आ गए। अब चलिए फिर दूसरी मंजिल की तरफ, क्योंकि मंदिर मंजिल का कोई ठिकाना तो है नहीं, बस चलते ही जा रहे हैं। कहाँ तक जाना है, कब घर पहुँचना है, हमें भी पता नहीं है। चलिए तो फिर हो गया दर्शन। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ।